छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर भिलाई क्षेत्र के युवाओं द्वारा एक युवा चेतना रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सेक्टर 1 से BSNL चौक से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर शहीद कौशल यादव स्मारक पर समाप्त हुई। इस रैली के माध्यम से आज के युवाओं में नव चेतना का संचार करने की बातें आयोजकों द्वारा की गई। साथ ही आज के समय में पारिवारिक वंशवाद की चर्चा के चलते भटकते हुए युवाओं को भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी देना भी मकसद बताया गया। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पहार से किया गया। मंच के माध्यम से जिले के सांसद विजय बघेल ने स्वामी विवेकानंद के आदेशों पर चलने की बातें कही एवं युवा चेतना रैली के आयोजक नितेश मिश्रा को भी ढेरों बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि आज का युवा पाश्चात्य संस्कृति से काफी प्रभावित दिखता है, जिसे अपनी संस्कृति और अपने भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए आयोजकों द्वारा निकाली गई युवा चेतना रैली काफी सराहनीय पहल है। रैली में उपस्थित युवाओं ने एक स्वर में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की शपथ ली। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। पूरा है विवेकानंद जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम। हम सब उनके बताए रास्ते पर चले, उनके अदम्य साहस को प्रणाम करता हूँ। उनके जैसा ही हम निर्भीक बने, निडर बने और अपने फैलाएं कि संकल्प जो उन्होंने लिया था उस संकल्प को हम सब पूरा करें। आज भाई नितेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जो स्वामी विवेकानंद जी विचार चेतना रैली जो आयोजित है, जो कई वर्षों से हो रही है, उसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और एक बार फिर से पूरे देशवासियों को इस अवसर की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रैली आपके द्वारा आयोजित की जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के हिंदुत्व की प्रेरणा के साथ युवा चेतना रैली सतत 12 वर्षों से आयोजित की जा रही है और लगभग हर वर्ष युवा अधिक से अधिक संख्या में इसमें उपस्थित रहते हैं। युवाओं को आज चेतना रैली की जरूरत क्यों पड़ रही है? जिस देश में मैकले की शिक्षा पद्धति और जिस देश में किसी परिवार के वंशवाद के बारे में लगातार चर्चा हो, वहाँ भारत के युवाओं को यह बताने की आवश्यकता है कि आपका इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और इस देश में ऐसे युवा भी निकले हैं जिन्होंने विश्व की संस्कृति पटल में हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.